सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ऑडिबल, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? गुड इवनिंग एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ अब सब तक पहुंच रही है? चलिए, सो वी विल स्टार्ट द क्लास। यस सर। ओके, हाउ आर यू लोकेश? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मयंक, सोहम, निशा, आश्मी, श्रेया, साइमा, एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग विवेक, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो एनर्जी एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, कल हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था। इनफैक्ट हमने ये देखा था कि कौन कौन से वो सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमारे पास मिनरल या फिर मिनरल के जो सोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, वो हमें मिलते हैं। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्दर थिंग्स इन दिस वेरी टॉपिक। जल्दी से आ जाइए एंड शेयर द लिंक टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल। लिंक शेयर करिए बाकी के स्टूडेंट्स को, ताकि यहाँ से बाकी लोग भी देख पाएँ। गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग सोनाक्षी, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सर, मैंने शेयर कर दिया लिंक। गुड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। नितेश, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग आश्मी, कैसे हैं सब लोग? और जो लेक्चर, जैसे कल का लेक्चर हुआ था, तो नोट्स अभी, कल वाले नोट्स थोड़े से किसी वजह से आज शेयर हुए हैं। क्लास के पहले मैंने अभी शेयर करवाया, तो आपको नोट्स भी मिल गए होंगे। बैचेस में मैंने नोट्स शेयर करवा दिए थे, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स शेयर हो गए थे, तो वहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेक्चर अपलोड ऑलरेडी हो रखा है। सो आप लोग रिवाइज करते हो या नहीं? जैसे कल जो क्लास हुई थी, तो आप लोग रिवाइज करते हो कि नहीं? डू पीपल रिवाइज द क्लास और नॉट? सर विच क्लास आर यू टॉकिंग अबाउट? कल जो क्लास हुई थी, कल क्लास हुई थी ना हमारी, कल हमारी क्लास हुई थी। अब वैसे तो रेगुलर ही होती है, ठीक है, शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक हर दिन क्लास होती है आपकी। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हमने बात की थी कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस हमें ये मिलते हैं, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस। तो हमने बात की थी कि एक मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी रॉक्स हो गए, इग्नियस रॉक्स हो गए, इनफैक्ट फिर सेडिमेंटरी रॉक्स हो गए, सी बेड से हमें मिलता है, फिर कुछ हमें जो इस तरीके के जो हमें एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, जिनको हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, वहाँ से भी हमें मिलते हैं क्या मिनरल रिसोर्सेस। तो ये कुछ कॉमन ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ से हमें रिसोर्सेस की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसे कुछ हमने कॉमन प्लेसेस देखे थे। यस सर, आई हैव रिवाइज नेचुरल वेजिटेशन एंड येस्टरडेज क्लास ऑल्सो। गुड आशमी, गुड। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप डेटा बेस्ड या फिर फैक्चुअल चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको कई बार अगर आप उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं करते हो, तो चीज़ें फिर आपके दिमाग से स्किप करती हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी विल स्टार्ट द लेक्चर। आ गए सारे लोग? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे हमने एक क्लासिफिकेशन किया था रिसोर्सेज का, हमने अलग अलग रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ यू नो डिफरेंट थिंग्स, हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू मे से कि वो मेटलिक है या नॉन मेटलिक है, या फिर वो आप कह सकते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन किया था अलग अलग रिसोर्सेज का। ठीक है, वी हैड क्लासिफाइड, वी हैड लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, क्राइटेरियाज, राइट? तो अभी हम उसी के आगे का पार्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, अब इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया को अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास जो रिसोर्सेस का आप कह सकते हैं कि खजाना है, वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड खजाना है। और हमारे पास कुछ बेल्ट्स हैं, जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था कि कौन कौन से वो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं इंडिया में, या कौन कौन से वो प्रोमिनेंट रीजन्स हैं इंडिया में जहां पे रिसोर्सेस पाए जाते हैं, राइट? तो एक मैंने आपको बताया था। अच्छा, हर जगह पे रिसोर्सेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे भी रीजन्स हैं इंडिया के अंदर जहां पे रिसोर्स बहुत ही कम होते हैं। ठीक है,
तो अगर मैं यहां से बात करूं कि मेजर रीजन्स कौन कौन से हैं, मेजर मेजर रीजन्स ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस भी क्या मिनरल्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं, मेजर रीजन्स वेयर मिनरल्स आर फाउंड। तो अगर इनके बारे में हम डिस्कस करें कि कहां कहां पे मेनली हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो यू विल गेट टू नो कि एक तो हमारे पास जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू राइट। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन से हमें बहुत सारी रिसोर्सेज मिलते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। जब हम बार बार सारी रिसोर्सेज को एक एक करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस रीजन में कौन कौन से मेजर रिसोर्सेज हैं जो कि यहां पे पाए जाते हैं, राइट। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में फिर अगेन अब इसको बाइफर्केशन इसका कर सकते हैं आप, जैसे कि यहां पे आपको रीजन मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू का, यहां पे अलग टाइप के रिसोर्सेस हैं। फिर अगर आप सेंट्रल हाइलैंड्स देखेंगे तो यहां पे आपको अलग टाइप के रिसोर्सेस मिलेंगे या मिनरल्स मिलेंगे, राइट, मिनरल रिसोर्सेस मिलेंगे। फिर उसके बाद आप छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ जाते हैं, तो अलग मिनरल्स यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहां पे राजस्थान पे जाते हैं, राजस्थान में आपको एक सर्टेन इलाका है राजस्थान का जो खास करके नॉर्दर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, वहां पे आपको कुछ मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, वहां पे आपको कॉपर वगैरह की माइंस मिलती हैं, राइट। फिर मार्बल जो है वो स्टोन बेस्ड जो रिसोर्सेस हैं या मिनरल्स हैं वो आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में मिलते हैं, तो वहां पे आपको मिलते हैं, राइट। फिर इसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे इंडिया के अंदर, तो आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप जाएंगे तो वहां पे आपको गोल्ड के रिजर्व्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कर्नाटका है तो कर्नाटका में यू विल गेट गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोयले की बात करें, कोयला विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, काफी उपयोगी है। उपयोगी क्यों है कोयला? क्योंकि कोयले का जो यूज है ना वो बहुत ही वर्सेटाइल है। अगर यहां पे कोल की बात करें तो कोल का यूज हम लोग कहां कहां पे करते हैं बताइए, आप लोग बताइए चैट में जल्दी से, कोल का एक एक यूज सब लोग बताइए, या जिसको जितने यूजेस पता है बताइए। कोल को अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग कहां कहां पे यूज करते हैं, किन किन जगहों पे हम लोग कोल को यूज करते हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे, क्या क्या यूजेस होते हैं कोल के? सबसे वर्सेटाइल जो मिनरल है ना, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मिनरल्स, कोल हो गया या फिर आयरन हो गया, इनका बहुत ज्यादा यूज है, हर जगह यूज है। जैसे कोल के अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंजन, ठीक है, इंजन के जो हमारे रेल इंजन होते हैं, इनफैक्ट उनको ऑपरेट करने में, रेलवे इंजन को ऑपरेट करने में कोयले का उपयोग होता है। उससे क्या होता है, स्टीम इंजन, यहाँ पे आप रेल इंजन से ज्यादा बेहतर आप इसको स्टीम इंजन कर लीजिए तो आपको समझ में भी आएगा, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो स्टीम इंजन को ऑपरेट करने में, अब धीरे धीरे करके उसको हम रिड्यूस करते जा रहे हैं डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन में, उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, इसके लिए भी कोयले का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि स्टीम टर्बाइन को चलाने के लिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट एनर्जी की जरूरत होती है और वहां पे हम कोयले का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड यूजेस, ठीक है। फिर अदर इंडस्ट्रियल यूजेस, इंडस्ट्रीज में कोयले का बहुत उपयोग है। जब भी कभी एनर्जी की बात आती है, जब भी कभी इस चीज की बात आती है कि कैसे हम हीट को जनरेट करें, तो सबसे पहला जो हमारे हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो आता है कोयले का, ठीक है। जो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो आता है कोयले का। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल यू मे से कि मिनरल जो कि हम यूज करते हैं। अब कोयले का जो प्रोडक्शन है वो हम कहां कहां पे करते हैं, मतलब किन किन इलाकों में ज्यादा होता है? तो कोयले को अगर आप देखेंगे, अगर आप कोयले के रिसोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास ये कोयला कहां कहां पे प्रोड्यूस होता है, कहां कहां पे इसकी हम माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड, राइट,
वेस्ट बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म से ये समझ में आ रहे हैं ना सभी को, कोई बोलना मत कि सर एमपी क्या लिख दे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मिलेगा यूपी में, राइट, फिर आपको मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये सारे बेल्ट्स हैं जहां पे आपको क्या मिलता है, कोयला अबंडेंस में मिलता है, राइट। इन सभी स्टेट्स में आपको कोयला अबंडेंस में मिलता है। तो ये रीजन हुआ, इसमें सेंट्रल हाइलैंड्स और छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है, इस पूरे रीजन में आपको कोल के बहुत सारे रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आप जाएंगे तो अब अगर हम एक सबसे बड़ा इलाका जो है, जैसे हमने देखा था कि हम अपने पूरे प्लेन एरियाज को, अपने देश के पूरे प्लेन एरियाज को हम किस में डिवाइड करते हैं, एक तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, देन उसके बाद डेजर्ट, थार डेजर्ट हमारा, लेकिन थार डेजर्ट तो उस तरीके से हमारे काम में आता नहीं। मेन जो सबसे बड़ा इलाका है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। सबसे बड़ा जो प्लेन वाला इलाका है हमारे देश के अंदर वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पांच अलग अलग, ध्यान से सुनना, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि पांच अलग अलग इलाके हैं, पांच अलग अलग इलाके हैं या पांच अलग अलग ऑकरेंसेस हैं जहां पे मिनरल्स के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। कहां? मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स जहां पे होंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स जहां पे होंगे, एल्यूवियल डिपॉजिट्स जहां पे होंगे, या फिर उसके बाद जहां पे आप सीबेड्स होंगे, और पांचवा क्या था, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन होता है और फिर सॉल्युबल सब्सटेंसेस अलग हो जाते हैं और बाकी के मिनरल्स अलग हो जाते हैं। तो इनमें से आप ये सोचो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस कैटेगरी में कौन कौन से रीजन्स आते हैं जहां पे हम मिनरल्स हमें ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा मिलता है वहां जहां पे आपको सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखें, इफ यू लुक अपॉन, तो कुछ आपको जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम आपको कहां मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, असम में मिलेगा, डिगबोई का नाम आपने सुना होगा, असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बेसिकली अगर आप स्टेट को देखें तो उतना ज्यादा रिच नहीं है, बट हाँ, इफ यू टॉक अबाउट द सी बेड्स सराउंडिंग द यू नो रीजन ऑफ मुंबई, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलेंगे बहुत ज्यादा, असम में डिगबोई है, गुजरात में अंकलेश्वर है, यहां पे बॉम्बे हाई है, ठीक है, कोयला वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, गोल्ड मैंने आपको बता दिया। तो कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट द यू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, मिनरल रिसोर्सेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, ठीक है। कौन कौन आ गया है, क्लियर है? हाँ, मध्य प्रदेश, यूपी, कोल, ठीक है, सही है, मान्या। इलेक्ट्रिक जनरेशन, पावर जनरेशन इज प्राइमरी यूज फॉर कोल वर्ल्ड वाइड, मेटल प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल कोल इज द की इंग्रेडिएंट इन स्टील मेकिंग, सीमेंट प्रोडक्शन, यस। एक्चुअली जितने भी इस तरीके की, जहां पे आपने सुना होगा कि फर्नेस होता है, भट्टी होती है, जहां पे हमें हीट एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का जहां कहीं भी जरूरत होती है, एनटीपीसी हो, बीएचईएल हो, जितने भी पीएसयूज आपको देखने को मिलेंगे, इन सब जगह पे क्या होता है कि अबंडेंस ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है यहां पे, इस वजह से यहां पे कोल का नीड जो होता है वो ज्यादा होता है। ब्रिक, ओके, लोकेश इज सेइंग सर अंकलेश्वर इज 5 to 6 hours फ्रॉम माई टाउन, गुड, ये जानकारी भी होना चाहिए। देखो यहां पे लोकेश ने यहां पे एक बहुत अच्छी चीज बताई, अच्छी तो क्या मतलब, एक यहां पे आप लोगों के सीखने की चीज है कि ही नोज अबाउट द प्लेसेस जो आप उसके आसपास हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे अंकलेश्वर पढ़ा रहा हूं तो इसी तरीके से चीजें ट्रिगर होती हैं। उसको पता चला लोकेश को कि ठीक है, अंकलेश्वर मेरे घर से खाली 5 से 6 घंटे दूर है, तो उसने यहां पे चैट में लिख दिया दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। इससे आपका भी नॉलेज बढ़ा, उसको अंकलेश्वर के बारे में पता है, आपको भी पता चला कि ठीक है अंकलेश्वर इज इन गुजरात,
तो इससे आपकी नॉलेज जो है ना धीरे 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 करके रिच होती है। ठीक है, मुझे बहुत सारी जगहों के बारे में पता होता है, मुझे इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन प्लेसेस सिटीज के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। तो ये नॉलेज कोई गॉड गिफ्टेड नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने से आती है और रेगुलरली अपने आप को अपडेट करने से आती है। ठीक है, जब आप बार 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 किसी चीज को इस तरीके से करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा लोकेश। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, उसने बता दिया कि हाँ मेरे घर से पास में है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपका अप्रोच पढ़ाई को लेकर के ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सुपर राइस्टर सिंह सर, आई एम लिविंग इन अंकलेश्वर, आई लिव इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, हाँ मतलब आप जहां पे आप रह रहे हो, ठीक है, उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर से आसपास क्या है, मेरे घर से ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ साउथ में क्या है, मेरे घर के पास में कौन सी बड़ी सिटी है या कौन सी फेमस सिटी है, कौन सा फेमस प्लेस है। तो दीज थिंग्स यू शुड नो, और ये ऐसे ही लर्निंग होती है। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास है क्या, एलुवियल डिपॉजिट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्लेन एरिया है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। तो नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में जहां पे एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल सॉइल आपको मिलेगी, वहां पे आपको इट इज मोस्टली डिवाइड ऑफ, या ये आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिसोर्सेस या मिनरल, नेग्लिजिबल मिनरल्स। आज मेरे ख्याल से जो विजिबिलिटी है बोर्ड की वो ज्यादा बेहतर है, क्या कहते हो आप लोग? कल वाले स्लाइड से आज थोड़ा सा विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो इलाका है, वहां पे मिनरल्स की जो पाए जाने की संभावना है वो बहुत कम होती है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, या फिर आप यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें। नेग्लिजिबल का मतलब ये नहीं कि कहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं पाया जाता, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि जैसे मैंने यूपी का बताया, तो यूपी अब बहुत बड़ा है। ठीक है, यूपी बहुत बड़ा है, तो यूपी का जो ये वाला इलाका है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है, यहाँ पे कोयले के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द यूपी में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पूरे यूपी में कहीं कुछ नहीं पाया जाता है, बट हाँ अगर आप कॉन्सेंट्रेशन वाइज देखें तो बाकी के स्टेट से कंपैरिजन में जितने भी राज्य ऐसे हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, जो अलुवियल, जो हमारी हिमालयन रिवर्स की जद में आते हैं, वहाँ पे इनके पाए जाने की संभावना काफ़ी कम होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्या क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो। यस द गेमर, चेरा सर, चेरापुंजी में क्या मिलता है? चेरापुंजी में बारिश मिलती है, चेरापुंजी में बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है सर, वेयर डू यू लिव? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। पता लगाओ मैं कहां रहता हूं और कल सबको बताना, और कल नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा। सर, आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोल एट अ प्लेस, ये देखिए आपको जो एक साइंस होती है, आप या कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस होती है, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी होती है, तो उसके तहत मतलब साइंटिस्ट्स होते हैं जो कि अपनी उनकी टेक्निक्स होती हैं, उनकी टेक्निक्स में इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, उनकी टेक्निक्स में किसी भी एक जगह की खुदाई भी की जाती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि किसी एक जगह पे कोयला है या नहीं है, या किसी एक जगह पे गोल्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉलेज, वी फिगर आउट कि हम एक जगह से कोई भी मिनरल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं कि नहीं। यस सर, गुड विजिबिलिटी, चलो बढ़िया विश्वजीत। दर्श गुप्ता, आई हैव ज्वाइंट राइट नाउ। दर्श, इतना लेट कैसे हो गया यार आज? इतना लेट तो नहीं चलेगा, 20:22 हो चुके हैं, आप कंप्लीटली 22 मिनट्स इनफैक्ट लेट हो। यस सर, टूडेज बोर्ड इज मोर क्लियर, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चेरापुंजी में बताया ना, चेरापुंजी में बारिश होती है बहुत ज़्यादा। हाँ
दर्श गुप्ता, मयंक ने बोला दिल्ली, थंडरबोल्ट ने बोला दिल्ली, श्रेया प्रत्याहार दिल्ली, ओजस्विनी कह रही है दिल्ली, अंकित कुमार दिल्ली, निशा दिल्ली, आदित्य, लोकेश सब दिल्ली। सर आप दिल्ली रहते हो ना? आश्मी सिंह इंदौर, थंडरबोल्ट दिल्ली। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट आपका सबका आंसर सही है। सर इसका कार्बनी फेरस पीरियड से रिलेटेड है। यस सर मैंने लिख लिया, डन। शंकर राव मुझे समझ में नहीं आया, एटॉमिक टेस्ट होती है, एटॉमिक टेस्ट किस चीज़ के लिए? हाउ हाउ इज एटॉमिक टेस्ट, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, एटॉमिक टेस्ट किस चीज़ के लिए? एटॉमिक टेस्ट फॉर व्हाट? क्वेश्चंस जो आपने दो तीन, एक तो एटॉमिक टेस्ट वाला मुझे समझ में नहीं आया, बता दो जल्दी से तो मैं इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ूं। सर माय टू फ्रेंड्स ज्वाइन, गुड नितेश, गुड गुड गुड। हाँ कोल के लिए होती है, यस ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, तो इट इज कंप्लीटली अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसके बेसिस पे आप पता लगाते हो कि हाँ इस जगह पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। ठीक है, तो स्टडीज आर कंडक्टेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज फाइंडिंग्स ऑफ दोज स्टडीज फिर हम पता लगाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पर्टिकुलर मिनरल या ये पर्टिकुलर एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है। ठीक है आगे बढ़े। चलो अब यहां पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जैसे मिनरल है, मान लो कि मिनरल एक जगह पे पाया जाता है, ठीक है, मिनरल एक जगह पे पाया जाता है, तो मिनरल को पाया जाना और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, राइट? मिनरल का एक जगह पे पाया जाना और उसको एक्सट्रैक्ट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क, मतलब जमीन आसमान का नहीं, दोनों कंप्लीटली बहुत दूर की चीजें हैं। जरूरी नहीं कि जहां पे मिनरल पाया जाए वहां से मिनरल को आप एक्सट्रैक्ट भी कर पाओ, राइट? सो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला क्या है, पहला क्या है, पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ मिनरल। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, और तीसरा पॉइंट यहां पे होता है क्या, मार्केट से क्लोजनेस। ठीक है, क्लोजनेस टू मार्केट, क्लोजनेस टू मार्केट। ठीक है, तीन चीजें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, एग्जाम्पल हम लेते हैं कोल का ही, कोल और आयरन दो रिसोर्सेस का, दो मिनरल्स का हम यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम कोल का एग्जाम्पल लेते हैं और एक आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इस पूरे इलाके को, जो छोटा नागपुर प्लेटू इलाका है, कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड कुछ पार्ट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, इसको हम बोलते हैं कि एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, या एनर्जी हब ऑफ इंडिया, राइट, या एनर्जी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी के रिसोर्सेस मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, राइट? कहां कहां पे? झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक सर्टेन रीजन, पूरा वेस्ट बंगाल नहीं, बहुत कम पार्ट, छत्तीसगढ़। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश भी आप ले लो इसमें, और उड़ीसा। इसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है झारखंड और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो कैसे एक मिनरल का पाया जाना वहां पे लगने वाले, वहां पे होने वाले सारे चीजों को गवर्न करता है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल की हमने बात की, तो कोयला जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट और साउथ ईस्ट आप बोल सकते हैं, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एमपी, झारखंड छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट कंप्लीट, वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ एंड वेस्ट। ठीक है, उड़ीसा की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे भी नॉर्थ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा मोस्टली। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तो पहला क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल ज्यादा है, यानी कोयला भी है यहाँ पे, आयरन भी है। अभी हम सिर्फ इन्हीं दोनों के एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे, कोयला और आयरन दोनों बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी की वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रीजन में आपको क्या मिलेगा, आपको स्टील किससे बनता है, स्टील किससे बनता है, स्टील बनता है आयरन से, स्टील किससे बनता है, आयरन से बनता है, ठीक है। तो आपको सेल मिलेंगे, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस फुल फॉर्म को याद रखना, आप लोगों को बहुत जगह पे काम आएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको कहां मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोकारो में मिलेगा, ठीक है। बोकारो कहां है, बोकारो है झारखंड में। आपको ये कहां मिलेगा, राउरकेला में मिलेगा, कहां है, उड़ीसा में, ठीक है। ये आपको और कहां मिलेगा, आपको मिलेगा भिलाई में, ये कहां है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसी तरीके के जो आयरन इंडस्ट्रीज हैं या फिर स्टील इंडस्ट्री है, ये आपको जैसे जमशेदपुर हो गया, जो कि कहां है, झारखंड में, ठीक है, जमशेदपुर, जिसको कि हम टाटा नगर भी बोलते हैं, ये आपको कहां मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, ठीक है। फिर आपको और मैं यहां पे इलाके बता रहा हूं, धनबाद है, धनबाद वो कहाँ है, अगेन झारखंड में है, ठीक है। ये कहाँ है, झारखंड, ये कहाँ है, झारखंड, ये कहाँ है, उड़ीसा, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़, ये कहाँ है, झारखंड, राइट। तो ये चार पांच इलाके। अब यहां से क्या है कि ईज ऑफ एक्ट, अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन जो है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोयला जो है इन इलाकों में काफी ज्यादा है, काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, तो पहला तो टिक मार्क यहां पे हो गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हम इस बारे में सोच सकते हैं कि यहां से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो पाए या मिनरल हो पाए। दूसरा क्या है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, क्या वहां पे माइनिंग अच्छे से हो सकती है कि नहीं, क्या वहां पे मशीनरी जा सकती है नहीं। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट में बहुत ज्यादा कोयला है, या माउंट एवरेस्ट छोड़ दो, वो तो दुनिया के सबसे ऊंची पीक है, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा और नीचे आ जाओ, किसी 6,000 मीटर वाली पीक में आप चले जाओ, और यहां पे आपसे कोई बोले कि बहुत ज्यादा कोयला है या बहुत ज्यादा सोना है या बहुत ज्यादा डायमंड है, तो क्या यहां से कोयला, डायमंड, सोना, माइका, बॉक्साइट कुछ भी निकाल पाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, आप जा ही नहीं पाओगे, यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, कोई मशीनरी आपकी नहीं जा पाएगी, गलती से आप पहुंच गए, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सर्वाइव भी कर गए तो लेके वापस नहीं आ पाओगे, तो मतलब कुल मिला के इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि क्या वहां से एक्सट्रैक्ट करना आसान है कि नहीं। तो इन इलाकों से हमें क्या पता चलता है कि इस पूरे इलाके में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के इलाके में, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो ईज है वो बहुत ज्यादा है। और तीसरा क्या है, क्लोजनेस टू मार्केट। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, यहां पे दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि आप उस जगह पे एक्सट्रैक्शन करो जहां पे उस पर्टिकुलर मिनरल के लिए मार्केट ऑलरेडी तैयार हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को, आप उस जगह पे मिनरल को एक्सट्रैक्शन करो जहां पे मार्केट ऑलरेडी तैयार हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लो और मार्केट अपने आप तैयार हो जाएगी। तो इन सभी जगहों पे मार्केट अपने आप तैयार हो गई, ठीक है, इन सभी जगहों पे मार्केट अपने आप तैयार हो गई। जब जब पता है हमें कि कोयला और लोहा यहाँ पे अबंडेंस में है, तो यहाँ पे स्टील के जो पीएसयूज हैं या जो कोलफील्ड्स लिमिटेड है, बेसिकली ये जो पूरा कोयले का इलाका है, इसको हम लोग अलग अलग कोलफील्ड्स लिमिटेड में डैश कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसमें हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। डैश का मतलब यहां पे ये है कि अगर जैसे इंडिया में अलग अलग जोन्स हैं, तो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो तीसरा क्या होगा, क्लोजनेस टू मार्केट। मार्केट के जितना क्लोज रहेगा वो पर्टिकुलर रिसोर्स, वो पर्टिकुलर मिनरल, उतना ही आसानी रहेगी। अगर हमें कोयला निकाल करके और 2,000 किलोमीटर दूर ले जाना है तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही कोयला वहां से निकल रहा है और पास में ही कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, आप देखेंगे हमेशा जब भी जहां कोयले का खदान होती है उसके आसपास आपको एनर्जी इंडस्ट्री जरूर मिलेगी, उसके आसपास आपको एनर्जी इंडस्ट्री जरूर मिलेगी, वहां पे आपको
पावर प्लांट्स मिलेंगे, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो पावर हाउस होते हैं वो मिलते हैं, एनटीपीसी मिलेगा वहां पे आपको, एसआर, रिलायंस, जितने भी इस तरीके की ये वेंचर्स हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ज्यादातर मिलेंगे। एनटीपीसी आपको ज्यादातर इन जगहों पर मिलने की संभावना बहुत रहती है। एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको काम आ सकता है, ठीक है। तो इससे नाम से ही सजेस्ट क्या हो रहा है, नेशनल थर्मल पावर। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब है हीट से रिलेटेड, और हीट किससे मिलती है, हीट हमें मिलती है कोयले से, ठीक है, कोयला हमें हीट प्रोड्यूस करके देता है, तो इस वजह से ये सारा का सारा एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू मार्केट, ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। जहां पे ये तीनों चीजें होती हैं वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हमें जो माइनिंग है वो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ हमें मिल जाए, ठीक है, अगर ये तीनों चीजें एक साथ हमें मिल जाए, यहां से मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, अगर हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, अगर हमें फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों ही हमें एक साथ मिल जाए तो हमारे लिए माइनिंग इज फिजिबल, माइनिंग इज फिजिबल, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ता है क्या हम उस जगह पे माइनिंग करें या ना करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, और थोड़ा सा अपना हालचाल भी बता दो, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है। जल्दी से बता दो, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया, क्रिस्टल क्लियर, यस सर, क्रिस्टल क्लियर। सर आई हैव अ डाउट, बताइए जल्दी से क्या डाउट है आपको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, लोकेश, हाँ ठीक है, क्या डाउट है, डाउट क्या है, प्लीज प्लीज। सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, का मतलब ये हुआ कि हम लोहे से उसको कन्वर्ट करते हैं, देन वी फॉर्म स्टील, फिर स्टील की बार्स बनती हैं, टीएमटी है, सरिया है, दुनिया भर की जो चीजें हैं उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट ये बॉडी करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर एमपी में कहाँ है, एमपी में क्या पूछ रही हैं आप राधापंत, मेरे ख्याल से अगर कोल के बारे में पूछ रही हैं, कोल फील्ड के बारे में पूछ रही हैं, तो एमपी में मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, फिर शहडोल, राइट, उमरिया, ये वाला जो रीजन है अनूपपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सिंगरौली इनफैक्ट नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, यहां पे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। तो ये सारे वो रीजन है जहां पे एमपी के अंदर आपको क्या मिलता है, ये सारे मिनरल रिसोर्सेस मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इन इन सभी जगहों पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा भी और भी रीजन्स हैं, ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट रीजन्स हैं, क्लियर है। सीजी का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़, सीजी का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़। और डाउट, और डाउट, हाँ एक एक सवाल यहां पे ये आ रहा है कि वेस्ट बंगाल, सर वेयर इज कोल फाउंड इन वेस्ट बंगाल। देखो कोल वेस्ट बंगाल में आसनसोल का इलाका है, दुर्गापुर का इलाका है, रानीगंज का इलाका है, वहां पे मिलता है। ये सारे इलाके कहां पे हैं, दीज आर इन मध्य प्रदेश, ये सब एमपी में है, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में आपको जो कोल फील्ड्स मिलेंगी वो मिलेंगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, दुर्गापुर, ठीक है, आसनसोल, रानीगंज, ठीक है, इन सभी जगहों पे वेस्ट बंगाल के अंदर मिलता है। और किसी का कोई डाउट,
और किसी का कोई डाउट, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही जगह पे मिलती है, और भी जगह है, ये प्रोमिनेंट मैंने आपको बता दिया। एंड कीप शेयरिंग लिंक फॉर द क्लास एज वेल, क्लास की लिंक शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर पाए। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? नो डाउट्स ओजस्वी सिंह सर, नो डाउट सर। आपके आसपास में एयरपोर्ट है क्या? यस लोकेश, काफी ज्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा ऑब्जर्विंग नेचर के हैं। हाँ डेफिनेटली लोकेश, मुझे भी प्लेन का साउंड आ रहा है, मेरे आसपास में एयरपोर्ट है, इस वजह से प्लेन का साउंड मुझे भी आ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, ठीक है नाइस, ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ते रहो। नो सर नो डाउट, ठीक है चलो आगे बढ़े। कीप शेयरिंग द लिंक, कीप शेयरिंग द लिंक एज वेल, ठीक है। और लिंक को शेयर करते रहो ताकि और भी बच्चे यहां पे जुड़ पाए और पढ़ पाए, ठीक है। श्रेयस सिंह सर नाइस क्लास, ठीक है अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब अगर मैंने अभी आपसे क्या बोला, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, अगर ये तीनों चीजें हैं और हमें एक चॉइस बनानी पड़ती है, कि हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या मिल रहा है। बेस्ट पॉसिबल आउट, जब हम क्या करते हैं, जब हम मॉल में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, घर से मन बना के जाते हैं कि मुझे एक अपर वियर और एक लोअर वियर लेना है, ठीक है। एक अपर वियर लेना और एक लोअर वियर लेना। अपर वियर में क्या हो सकता है, टी शर्ट हो सकती है, शर्ट हो सकती है, ठीक है, या स्वेट शर्ट हो सकती है। लोअर वियर में क्या हो सकता है, लोअर हो सकता है या फिर जीन्स की पैंट हो सकती है या फॉर्मल पैंट हो सकती है। तो मुझे एक कॉम्बिनेशन लेना है, एक अपर वियर एक लोअर वियर। तो मैं कैसा कॉम्बिनेशन चूज करता हूं, मैं चूज करता हूं कि जो मेरे इकोनॉमिकली भी मेरे लिए फिजिबल हो, पैसे उतने लगे जितने मैंने सोच रखे उससे ज्यादा ना लगे, और मेरे ऊपर सूट भी करता हो, सारी चीजें मैं देखूंगा। तो वैसे ही, और फिर मैं वो बेस्ट ऑप्शन लेकर के आ जाता हूं। तो वैसे यहां पे भी है, हम इन सभी फैक्टर्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके फिर हम, अगर ये सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में आते हैं तभी हम एक मिनरल डिपॉजिट को, रिसोर्स को हम माइन में कन्वर्ट कर पाते हैं और उसकी फिर हम माइनिंग करते हैं। तो इफ ऑल दीज थिंग्स आर, अगर ये तीनों ही चीजें हमारे पास आ गई हैं तो हम फिर क्या कर पाते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां से फिर हमारी माइनिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद फिर हम क्या करते हैं, माइनिंग के बाद हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे फेरस मेटल, फेरस मिनरल्स की, राइट। अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है रैट होल माइनिंग, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है रैट होल माइनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं रैट होल माइनिंग। किसी ने सुना इससे पहले? रैट होल माइनिंग इससे पहले किसी ने सुना है रैट होल माइनिंग के बारे में? रैट होल माइनिंग सुना है किसी ने? व्हाट इज रैट होल माइनिंग? रैट होल के बारे में तो सुना ही होगा। बताओ जल्दी से सर। सेल का हेडक्वार्टर क्या है सर? यू आर नियर साउथ एक्स, राइट। हा, ओजस्विनी थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे अपने खुफिया दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं। वेरी नाइस सर, क्लियर सर। सर वेयर इज प्रिटोरिया? प्रिटोरिया बेटा साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका। यस सर माय ब्रदर टोल्ड मी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए सर रैट से कोरिलेट कर सकते हैं, हाँ ठीक है। प्रिटोरिया इज इन साउथ अफ्रीका बताया तो, प्रिटोरिया इज इन साउथ अफ्रीका। देखो रैट होल माइनिंग का मतलब ये होता है, जैसे वैसे तो इंडिया में क्या है
कि सारी चीजें लीगलाइज्ड हैं, मतलब सारी चीजें क्या है, जो माइनिंग वगैरह होती है या जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है वो नेशनल प्रॉपर्टी मानी जाती है, उसको हम नेशनली करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ जैसे ट्राइबल कुछ कम्युनिटीज हैं, देर आर सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज, सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज वो क्या करती हैं, दे माइन द मिनरल्स, माइन द मिनरल्स एज पर देयर विश, एज पर देयर विश बाय मेकिंग अ नैरो होल नियर द ओर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग, ठीक है। अभी भी कुछ जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पे कुछ जगहों पे ये क्या होता है कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज का हमेशा सरकार से एक 36 का आंकड़ा रहता है, वो कहते हैं कि वो नॉर्मली कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक है, जो एकदम प्योर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और उनका कहना सही भी है। वो ये कहते हैं कि हमें हमारा ये जो जंगल है या फिर हमारे जो जंगल के रिसोर्सेस है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पानी के रिसोर्सेस हों, चाहे वो माइंस हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हों, वो सब कुछ हमारा है, हम आपके बाहर की कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, आप हमारे यहाँ की कोई चीज़ मत लो, हमें यहाँ पे जीने खाने दो, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही लंबी डिबेट है जिसका कौन सही है, जिसमें कौन गलत है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पार्शियली वो भी सही है और पार्शियली गलत भी है। तो वो कम्युनिटीज़ क्या करती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़, कि वो अपने लिए जैसे माइनिंग के लिए एक छोटा होल बना करके एक जिससे कि वो एंटर कर पाए और उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं वो उसको निकालती हैं और उसमें से अपने यूज़ के हिसाब से करते हैं, जैसे स्पेशली कोल वगैरह के लिए, राइट। तो उसको हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग, जो कि कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में इसको किया जाता है अभी भी, बट इट इज़ नॉट यू मे से लीगलाइज, ये कोई सरकारी माइनिंग नहीं होती है, ये गैर सरकारी माइनिंग है जो कि अलग अलग जगहों पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, प्राइमरी प्रैक्टिस्ड माइनिंग टेक्निक इन मेघालय, हाँ मेघालय में होती है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ मेघालय, इसको आप एक स्टेट से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, मेनली इन मेघालय, राइट। मेघालय में ये माइनिंग आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, फेरस मिनरल्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेरस मिनरल्स के बारे में। तो फेरस मिनरल्स में हमारे पास दो प्राइमरी मेटल्स हैं जिनके मिनरल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब हम बात करेंगे अपने फेरस मिनरल्स के बारे में। अब यहां से हम बात करेंगे फेरस मिनरल्स के बारे में, फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स। अब हम क्योंकि माइनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं तो फेरस मिनरल्स के ऊपर बात करते हैं। फेरस मिनरल्स जो हैं वो बेसिकली, फेरस मिनरल्स का मतलब क्या हुआ, आयरन या फिर उसकी फैमिली के जो भी मेटल्स होते हैं, निकल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो है टोटल मेटलिक मिनरल्स जो इंडिया में माइन होता है, टोटल मेटलिक मिनरल की माइनिंग का 3/4 जो पोर्शन है वो अकेले फेरस मिनरल्स ही संभालते हैं, 3/4 ऑफ, यहां से आप देख सकते हैं कि अराउंड 3/4 का मतलब कितने परसेंटेज हुआ, 75% ऑफ टोटल मेटलिक मिनरल्स आउटपुट कंटेन्स यू में से आयरन ओर या
फेरस मिनरल्स आप बोल सकते हैं, फेरस मिनरल्स। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेल जो है, जैसे सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आयरन से रिलेटेड है, कॉपर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर गोल्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर आपको जिंक अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, बहुत सिंपल है। रीजन इसलिए सिंपल है कि यहां पे आउट ऑफ, मतलब आप ये समझ लो कि अगर हमारे पास टोटल यहां पे 100%, अगर हमारे पास यहां पे टोटल मिनरल्स हैं मेटलिक, ठीक है, टोटल अगर हमारे पास 100% मिनरल्स है मेटलिक, तो इस 100% में हमारे पास 3/4 अकेले क्या है, 3/4 अकेले हमारे पास फेरस मिनरल्स है, 3/4 अकेले क्या है, फेरस मिनरल्स है, और बचा हुआ 1/4 क्या है, बचा हुआ 1/4 में बाकी के मिनरल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जो ये क्या है, फेरस मिनरल्स, फेरस, और ये क्या है दूसरा वाला जो हमारा है, ये है नॉन फेरस, नॉन फेरस है, दोनों मेटलिक ही, लेकिन एक फेरस है और एक नॉन फेरस है, राइट। सो 3/4 जो टोटल मिनरल का हमारा आउटपुट है मेटलिक का, वो फेरस मिनरल्स का हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि जो मेटलर्जिकल इंडिया ही नहीं, कहीं पे भी जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, ठीक है, जिससे कि डिराइव होती है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जिससे कि डिराइव होता है क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। क्या होता है इसका मतलब, मैं समझाता हूं आपको। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री का मतलब हुआ पूरा ओवरऑल इंडिया की वो इंडस्ट्री जिसमें हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब मेटल का सबसे ज्यादा, और खास करके आयरन ओर का या स्टील का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कहां पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब यहां पे क्या हुआ, चाहे आप जैसे आप अगर स्टील की बात करते हैं, तो स्टील एक ऐसा मेटल है या एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एक आप कह सकते हैं कि मटेरियल है जो कि हर बिल्डिंग का बेस है, ठीक है, हर बिल्डिंग का बेस है। जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा बिल्डिंग के फॉर्म में, वहां पे स्टील का यूज है। रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो स्टील का यूज है, शिप्स का डेवलपमेंट हो रहा है स्टील का यूज है, या फिर उसके डेरिवेटिव्स का यूज है। आपका ट्रेन की बोगीज बन रही हैं वहां पे, ये इसका यूज होता है। व्हीकल्स बन रहे हैं, कार्स बन रही हैं, गाड़ियां बन रही हैं, बाइक्स बन रही हैं, वहां पे इसका यूज होता है। और ऐसी तमाम दुनिया भर की मशीनरीज हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मेटलिक या आयरन मेटल का, या फिर आयरन के जो फेरस मेटल्स हैं उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करती हैं। तो यहां पे जो हमारा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा बेस बना के रखा हुआ है पूरे देश के संसाधनों को और देश के विकास का। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया क्या करती है कि हमारा इंटरनल डिमांड, जब हमारा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टील वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सो आफ्टर मीटिंग आर इंटरनल डिमांड्स, हम क्या करते हैं, वी एक्सपोर्ट द फेरस मिनरल्स एज वेल। ठीक है, तो जब हमारा इंटरनल डिमांड हमारा हो जाता है पूरा, तो हम क्या करते हैं, जब इंटरनल डिमांड हमारा पूरा हो जाता है, तो हम फेरस मिनरल्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और अलग अलग कंट्रीज में हम अपने, हमारी, क्योंकि हमारा जो स्टील वगैरह है ना वो काफी ए ग्रेड क्वालिटी का होता है जब हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो हम बाकी की कंट्रीज में भी उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट कराते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है।
जल्दी से बता दो एक बार, एम आई क्लियर टू एवरीवन? सर इट इज माय, सर प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ रैट। अच्छा, ठीक है, वो अभी मैं लो ले लो, ये लो रैट होल माइनिंग का स्क्रीन शॉट ले लो। कोबाल्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, सर आई हैव अ डाउट। यस बताइए क्या डाउट है आपको। सीताराम वर्मा, क्या डाउट है? मतलब आपका नाम मुझे भूल गया फिर से, आप अपना नाम सही लिखिए। मुझे पता है कि आपका नाम ये सही नहीं है, आपका नाम कुछ और है, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे चैट में सीताराम वर्मा ही दिख रहा है इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, तो फेरस मेटल्स जो हैं, फेरस मिनरल्स जो हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फेरस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आयरन ओर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, आयरन ओर। थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग आयरन ओर के बारे में यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो दूसरा आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आयरन ओर। आयरन ओर, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द फेरस मिनरल्स आयरन ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन ओर, वो यहां से देख के पता भी चल रहा है। एक तो ओवरऑल जो हमारा एनर्जी है, जो टोटल मेटलिक मिनरल्स हैं, उसमें से 75% हमारा फेरस मिनरल्स हैं। उस 75 जो फेरस है उसमें भी सबसे ज्यादा किसका है कंसंट्रेशन, आयरन ओर का। उसमें आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, आयरन है। इसी से हमारी सबसे बड़ी देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, उसमें सबसे जो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल पोजिशन जिस जिस सब्सटेंस की आती है, जिस मटेरियल की आती है, वो क्या है, स्टील। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपके शरीर से अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, आपके पूरे प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, तो आप क्या हो जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। वैसे ही अगर देश के विकास से इस पर्टिकुलर मटेरियल को हटा दिया जाए तो देश का विकास भी मर जाएगा। अगर स्टील नहीं है तो समझ लो कि आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर ये नहीं है तो डेवलपमेंट आपका नहीं हो पाएगा, ना रोड्स बन पाएंगी, ना बिल्डिंग्स बन पाएंगी, ना ट्रेनें चल पाएंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको डिराइव कौन करता है, आयरन ओर डिराइव करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले किसके बारे में, SAIL, सेल। सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहाँ है, बोकारो में है, राउरकेला में है, भिलाई में है, तो दुर्गापुर में है। तो यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, हमारा आयरन ओर। ठीक है, अब अगर आप आयरन ओर को देखेंगे तो चार इंपॉर्टेंट जो राज्य है जहां पे आयरन ओर पाया जाता है, वो कहां कहां पे है। सबसे ज्यादा है उड़ीसा में, सबसे ज्यादा जो आयरन ओर आपको देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा, आयरन ओर उड़ीसा में। अगर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट के बेसिस पे बनाना चाहूं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, तो आप इसको कुछ ऐसे देख सकते हैं। यहां से आपको, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग फिर कल पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूं। राइट, ठीक है, चलिए एक ये पोर्शन हो गया आपका, एक पोर्शन यहां पे हो गया, एक पोर्शन यहां पे हो गया, फिर एक पोर्शन यहां पे हो गया, और लास्ट पोर्शन को हम बना देते हैं यहां पे। ठीक है, तो चलिए अब यहां से उड़ीसा का जो ये है हमारा उड़ीसा, दिस इज उड़ीसा।
ये कंटेन करता है 52% ऑफ द टोटल आयरन ओर इन द कंट्री, ठीक है। देन कम्स छत्तीसगढ़, यहां पे है आपका छत्तीसगढ़, ये कंटेन करता है 16% ऑफ द टोटल आयरन ओर। फिर देन उसके बाद आता है कर्नाटका, इट कंटेन्स 14% ऑफ द टोटल आयरन ओर। उसके बाद नंबर आता है यहां पे झारखंड का, विच कंटेन्स 11%, और जो बचा रेस्ट ऑफ द जो आयरन ओर है वो बाकी सारे जो हमारे स्टेट्स हैं उनको कलेक्टिवली आप जोड़ दो, ठीक है। अदर्स में बाकी का आपका आ जाता है 7%, ठीक है। 52 और 16, 68, 14, 82, 11, 93 और बचा हुआ 7, तो ये आता है अदर स्टेट्स में, ठीक है। तो आयरन ओर जो है इस तरीके से हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, राइट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो चुका है, वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स ओनली। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करके और क्लास को एंड करेंगे, फिर उसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सुमित्रा वर्मा, ठीक है ठीक है। हाँ सुमित्रा, आपने पूछा कि सर फेरस की मीनिंग क्या होती है हिंदी में। तो फेरस बेसिकली, फेरस का मतलब ये होता है कि आयरन, फेरस जो है आयरन को रिलेट करता है, तो इसको आप ये समझो कि दिस मींस आयरन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लोहा, ठीक है, लोहा, क्लियर, ठीक है। तो आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, इसके आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे, मतलब जो फेरस मिनरल्स हैं इनका एक्सट्रैक्शन कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। आयरन ओर, इसके बाद मैंगनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कल हम लोग कॉपर बॉक्साइट, और फिर हम लोग मैप भी देखेंगे कहाँ पे कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट वैसे आपको चैट के अंदर भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको चैट के अंदर भी शेयर कर दिया जाएगा। तो चलो बताओ कैसी लगी आज की क्लास, हाउ वॉज द क्लास, कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई कि नहीं। लोकेश, कुछ नया नॉलेज मिला या नहीं मिला, या ऐसे ही आए और चले गए। ऑसम क्लास सर, ठीक है चलो, अगर क्लास ऑसम है तो बहुत बढ़िया बात है। सर मैंने लिख लिया, सर रियली इन्फॉर्मेटिव एंड नाइस क्लास, सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर, इतनी बार बाय सर नितेश, ज़्यादा जल्दी है नितेश को जाने की, ठीक है। मयंक, नाइस, श्रेया, यस सर, ठीक है, मज़ा आया क्लास करके, मज़ा आया। निशय सिंह, ऑसम क्लास सर, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम ओजस्विनी, इट वॉज फन, बुद्धि खुल गई सर, बुद्धि खुल गई, वाह गुड, ठीक है। मैं एक्चुअली मैप्स इसमें इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ आपकी क्लास में, कल से मैप को मैं लेकर के आऊँगा, ताकि आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट डायमेंशन में आपको चीज़ें समझने का मौका मिले। कल से हम लोग मैप से भी पढ़ेंगे, तो वो मतलब नेक्स्ट लेवल की क्लासेस होंगी। बहुत मज़ा आया सर, बुद्धि खुल गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट मान्या। चलो तो वाइंड अप करें, यस सर, बहुत बहुत मिला नॉलेज, वाह गुड, नाइस क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास, बेस्ट, वाह, ठीक है चलो। तो मिलते हैं कल फिर से, इसके आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है, मेटलिक मिनरल्स, फिर हम लोग नॉन फेरस में जब जाएंगे, अभी फेरस का कुछ पोर्शन बाकी है, उसके बाद नॉन फेरस में बॉक्साइट है, कॉपर है, ये सब देखेंगे, फिर हम लोग नॉन मेटलिक में जाएंगे, फिर हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज में जाएंगे, प्लस मैप वर्क कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो मजा आएगा वहां पे भी देख के। जो अभी मैं आपको चीजें मैनुअली बता रहा था कि झारखंड में बोकारो है या फिर भिलाई है, छत्तीसगढ़ में या रूरकेला है, उड़ीसा में या दुर्गापुर है, वेस्ट बंगाल में, तो वो सारी चीजें हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे, तो और ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर क्लियर सर, ओके चलो ठीक है, बाय बाय, गुड इवनिंग, जय हिंद, मजे करते रहो, कल फिर से मिलते हैं। और सुनो, नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है, करवा दूंगा टीम से, तो वहां से नोट्स देख लेना और नोट्स खुद के भी बनाना, ठीक है।
और एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, रिवीजन करना, ताकि कल की क्लास में फिर नए तरीके से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर, मतलब इसी के आगे को हम लोग कंटिन्यू कर पाए। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड इवनिंग, जय हिंद।